असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच। ये ऐड तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने देखा नहीं होगा। मसाला किंग के नाम से मशहूर एमडीएच मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह निधन हो गया। कोविड-19 से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक होने की वजह से इनकी मौत हो गई। अगर इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान से लेकर भारत तक करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में करोल बाग की अजमल खान रोड पर एक छोटी सी दुकान को लगाकर मसाले बेचना शुरू किया, जिसके यहाँ पर इनका जो मसाले का कारोबार है वो चल पड़ा। और सबसे पहले 1947 में देश के विभाजन के वक्त उनका जो परिवार है वो दिल्ली आ गया, और दिल्ली पहुँचने के बाद उन्होंने एक टांगा खरीदा जिसमें एमडीएच मसाले के मालिक कनॉट प्लेस और करोल बाग के बीच में लोगों को लाने और ले जाने का काम करते थे। और आखिर में गरीबी से तंग आकर उन्होंने अपना टांगा बेचकर 1953 में चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ली, और इसके बाद उन्होंने महाशयादी हट्टी यानी एमडीएच नाम की दुकान को खोला और मसालों का जो बिजनेस है उसे शुरू कर दिया। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की जो देगी मिर्च वाले हैं वो अब दिल्ली आ चुके हैं, इसके बाद इनका बिजनेस फैलता चला गया। दादाजी मसाला किंग, किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी को पिछले साल पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एमडीएच मसाले के किंग धर्मपाल गुलाटी अपनी सैलरी का लगभग 90% दान कर देते हैं। और कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि मसालों में इस्तेमाल किए जाते हैं और वे इस कदर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं कि उनके बिना हम जिंदगी को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाते। एमडीएच के मालिक तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पांचवी फेल तांगे वाले से लेकर मसालों के बादशाह बनने तक की उनकी जो ये कहानी है, उनका जो ये सफर है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।